बसमिलीम टॉपिक टुडेज हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू फॉर थीसिस एंड फॉर रिसर्च पेपर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली लिटरेचर रिव्यू जो है वो होता क्या है और उसको हम किस तरीके से जो है वो uh, उसका राइटअप कैसे करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली हमने किसी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर जो है उसको सर्वे करके उसमें से उसकी जो मेन ओवरव्यू है वो फाइंड करना होता है उसकी हमने उससे थेरीज जो डेवलप की हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है वहाँ से हमने कुछ मेथड्स देखने होते हैं और मेनली जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट है मेन हमने वहाँ से रिसर्च गैप बेसिकली फाइंड करना होता है तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली फिर किन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं या ये रिव्यू जो है वो किन चीज़ों को कंटेन करता है, है कि जिस से रिलेटेड जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने लिखना है वो आपसे आपके रेलिवेंट जो है वो पब्लिकेशन आपने देखनी है वो बुक्स हो सकती हैं जर्नल्स हो सकते हैं या आर्टिकल्स हो सकते हैं उसके बाद उसको हमने क्रिटिकली एनालाइज करना है कि ये इस तरह से था किसी दूसरे ऑथर ने ऐसे कहा किसी दूसरे आर्टिकल में इस तरह से लिखा हुआ था और हमने इसको किस तरह से लेके चलना है तो ये बेसिकली इस तरह से गैप का भी आइडिया होता है उसके बाद है कि उसकी मेन बेसिकली फाइंडिंग्स क्या थी उसको लिखना तो रिव्यू क्या हुआ कि ये बेसिकली जो लिटरेचर रिव्यू है ये हमें हमने सर्वे करते हैं हम डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू अपने रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं हम मेथड्स फाइंड करते हैं और उसके बाद हमें लिटरेचर गैप का आइडिया होता है और उसके बाद हम उसको क्रिटिकली एवेल्यूट भी कर रहे होते हैं और मेनली ये है कि हम उसकी जो मेन फाइंडिंग या उसके मेन जो रिजल्ट हैं या उसका जो मेन कंक्लूजन है उसको हम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं या लिखते हैं उसके बाद ये है कि जब हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम किसी भी एक पेपर का जो है वो ये स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि जब हम थीसिस के लिए लिख रहे होते हैं उसमें अथर नेम है इयर्स ऑफ पब्लिकेशन है कि वो किस साल में पब्लिक हुआ वो जो पेपर था पब्लिश हुआ उसके बाद उस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या था उसका टाइम फ्रेम क्या था और वो किस रीजन के लिए स्टडी किया गया है कंट्री क्या है या पैनल ऑफ कंट्रीज है तो या क्रॉस सेक्शनल स्टडी है तो वो हमने डिफाइन करना है उसके बाद उसकी मेन क्या है है उसको हमने लिखना है। और उसके मेन इंडिकेटर्स या मेन वेरिएबल जो यूज हुए हैं वो हमने बताने हैं और एट द एंड उसकी मेन फाइंडिंग है उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है वो ऑप्शनल है कि उस पेपर में जो रिकमेंडेशंस या उसमें जो सजेशन uh, दी गई हैं उसको हमने Uh, जो है वो इनकोपरेट uh, हम कर सकते हैं या उसको हम लिख सकते हैं अब अगर मैं एक uh, जो है वो एग्जाम्पल लूँ कि हम किस तरीके से रिव्यू uh, करेंगे तो मैं स्क्रीन uh, uh, आपके साथ जो है वो दोस्ती शेयर कर रहा हूँ हम लिटरेचर गूगल स्कॉलर से कोई भी पेपर हम फाइंड कर लें तो ये मैंने एक पेपर जो है वो गूगल uh, स्कॉलर से ढूंढा uh, और इसका सबसे पहले मैंने कहा कि हमने आथर का नाम तो ये आथर का नाम लिखा हुआ है अब क्योंकि यहाँ पे अगर तो सिंगल आथर होता सपोज ये ही पहले वाला आथर होता तो हमने जस्ट इसका जो आखिरी वाला लास्ट नेम था इसको हमने लिखना था सिद्दीक और ये पब्लिश कब हुआ है ये यहाँ पे है ये 2020 में पब्लिश हुआ तो हम इसके साथ लिख देंगे सिद्दीक टू टू लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो आथर्स हैं तो हमने फिर क्या करना है दोनों का जो लास्ट नेम है वो लिखेंगे सिद्दीक एंड कियानी Uh, 2020 ये था आथर नेम हमने लिख लिया और उसके बाद हमने uh, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन बता दिया 2020 और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट uh, था uh, वो ये था कि हमने ऑब्जेक्टिव uh, इसका बताना है तो अब हम ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम uh, फ्रेम के लिए ये सारी की सारी चीज़ों के लिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव uh, तो मेनली हम uh, यहाँ से भी देख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है दिस स्टडीज

Uh, यहाँ से इंडिकेटर्स फाइंड कर सकते हैं इवन uh, के जो मेथडोलॉजी है वो भी हम अगर सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे इस समरी में में इस मैथडोलॉजी नहीं होती तो हम यहां से मैथालोजी में जाते हैं और हमें ये मैथडोलॉजी यहाँ पे आइडिया uh, हो जाएगा कि क्या क्या यूटिलाइज किया गया uh, है उसके बाद ये देखें फिक्स इफेक्ट इफेक्ट्स मॉडल है और हाउसमैन डेस्क की बेस पे फिक्स इफेक्ट मॉडल अप्लाई हुआ है फिर अगर हम वेरिएबल्स uh, की बात करें तो डाटा में अगर हम जाए तो डेटा में हमारे पास जो है वो इसकी वेरिएबल्स uh, की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे होगी डाटा में हम डिपेंडेंट वेरिएबल देख लें जो हमारे पास मेनली है तो उसमें हमने देख लिया मेनली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हेल्थ है uh, ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हमारे पास जो मेन वेरिएबल है वो uh, क्योंकि ऊपर बताया हुआ है इंडस्ट्रियल पोलूशन तो हमारे पास यहाँ पे जो मेन वेरिएबल uh, है वो ये आ जाएगा इंडस्ट्रियल पोलूशन जिसको ये मैयर किया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन से और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन से जबकि हेल्थ को मैयर किया गया है अभी मैंने बताया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी तो इसको हमने वहां पे मैंशन uh, कर दिया उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे पास मेन uh, इसकी फाइंडिंग्स के हैं अब यहाँ पे देखें डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स हैं डिफरेंट uh, जो टेबल्स uh, बने हुए हैं लेकिन शॉर्ट uh, इसको करने के लिए हम कंक्लूजन पे चले जाएंगे और कंक्लूजन में हमारे पास मेनली है वो इसकी uh, इसके जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पे मैंशन किए होंगे तो यहाँ पे इसको मैंने अभी हाईलाइट किया था कि ये इसके मेन रिजल्ट्स थे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अगर इंक्रीज होती है तो उससे हेल्थ या इफेक्ट हो रही है फिर उसके बाद ये था के ये भी देखा गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू अपर मिडिल इनकम कंट्रीज उसके बाद uh, कुछ यहाँ पे रिजल्ट है uh, जो थर्ड वाला पैराग्राफ हाई है फिर ये उसके बाद लिमिटेशन हैं यहाँ से आपको स्टडी गैप आइडिया हो सकता है कि आपको ये आइडिया हो सकता है स्टडी का गैप क्या है तो सम टाइम ये हेडिंग नहीं गिवन होती लेकिन ये कंक्लूजन के लास्ट में दिया होता है कि आप इसको जैसे यहाँ पे अगर मैं इसी स्टडी की बात करूँ तो यहाँ पे तीन चार जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए गए हैं कि ये आपने इसका जो मेनली था ये जैसे ये थर्ड पॉइंट है कि इसको किस तरीके से हम आगे लेके चल सकते हैं ये उसका सेकंड पॉइंट है और इसी तरह से ये इसका फर्स्ट पॉइंट है ये तीन पॉइंट्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि इसकी फर्दर आगे जो है वो किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं फिर उसके बाद ये पॉलिसी रिकमेंडेशन हैं कि यहाँ से आप जो है वो पॉलिसी देख लें या देख लें अब हम मूव uh, करते हैं अपनी uh, uh, उसी स्लाइड पर जिस पे हम uh, लिख रहे थे पहले तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी तो यहाँ पे जो मैंने अब हमने क्या किया ये देखें हमने नाम लिख लिया ईयर बता दिया ये मेन ऑब्जेक्टिव बता दिया उसमें ये टाइम फ्रेम बता दिया और ये हमने जो है वो टेक्निक बता दी और उसके बाद ये क्या बन गया दिस स्टडी एग्जामिन द नेक्सस बिटवीन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ फॉर मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 1990 टू 2016 यूजिंग द पैनल ओएलएस एंड फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडल

this study also found that an adverse effect of pollution is greater in uh, lower middle income countries as compared to the upper middle income countries uh, uske baad last mein tha the study suggest the plans for better human health and needs to focus on policies that <coughs> mitigate the pollution अब इसको अगर हम आ, आ, जिस तरीके से हमने मेंशन करना है तो वो ये पैराग्राफ की फॉर्म में है जिसमें ये सारी की सारी चीजें हम इस तरह से लिख देंगे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हमने साथ साथ ना अपने रेफरेंस भी बनाते जाने हैं या तो एन नोड यूज कर लें अदरवाइज अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे तो सिंपल हम गूगल स्कॉलर से जो है वो इस तरह से हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में रेफरेंस बना लेते हैं और हम देख लेते हैं कि हमने गूगल स्कॉलर से ये जो रेफरेंस था वो किस तरह से हमने बनाया तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे पास जो पेपर था उस पे जिस पेपर की हम बात कर रहे थे तो उस पेपर का जो टाइटल है उसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी तो जब मैं उसको कॉपी करूँगा तो साथ ही जो है वो मैं गूगल स्कॉलर पे चला जाऊंगा और गूगल स्कॉलर पे मैं उस कॉपी किए हुए टाइटल को पेश करूंगा तो मेरे पास इस तरह से ये पेपर आ जाएगा तो इस पे मैं यहाँ पे जाऊंगा ये साइट तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा लिंक ये उसकी रेफरेंस साइटेशन uh, हुई, हुई है ये रेफरेंस बने हुए हैं एम एल ए है शिकागो है ए पी ए नॉर्मली ए पी ए यूज होता है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद जो हमारे पास जहाँ पे हम आ, काम कर रहे थे तो हम उसी अपने वर्ड की फाइल में चले जाएंगे और यहाँ जाके मैंने कर दिया पेस्ट जब मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे देखें ये आ रहा है वन अब यहाँ पे नाम आना था ए पी ए फॉर्मेट में आथर का उसके बाद टाइटल पेपर का फिर उसके बाद जर्नल का नाम और उसके बाद यहाँ पे वालियम और पेजेस आने थे लेकिन यहाँ पे वालियम जो है वो मिसिंग है तो फिर हम क्या करेंगे फिर हम यहाँ से वालियम जो है वो खुद फाइंड आउट करेंगे और पेजेस हम फाइंड आउट करेंगे वालियम को और जो जर्नल का नाम है उसको हम इटैलिक में लिखते हैं और जो पेजेस हैं उसको हम सिंपल जिस तरह से हमने लिखा होता है उसी तरह से नॉर्मल वे में लिखते हैं अब हमने ये देखना है कि ये जो वॉल्यूम और ये जो पेज नंबर है ये हमें कैसे पता चलेगा तो हम अगेन जो हमारे पास पेपर था हम उस पेपर पे अगर जाएं, तो इसके स्टार्ट में ये लिखा हुआ है कि ये इसका वॉल्यूम है ट्वेंटी सेवन समाइम कुछ पेपर्स का इशू भी होता है आगे तो वो उस ब्रैकेट में फिर इशू भी आएगा और इसके बाद ये हमारे पास आ गया इसका पेज नंबर तो ये हमारा एक जो लिटरेचर रिव्यू था ये हमारा कंप्लीट हो गया कि किस तरह से हमने लिटरेचर रिव्यू किया एक पेपर का और साथ में उसका हमने रेफरेंस वाले चैप्टर में रेफरेंस जो है वो ऐड कर दिए हैं और इसी तरह से जब हम मजीद पेपर्स का रिव्यू करते जाएंगे तो अल्फाबेटिकली हम यहाँ पे जो है वो इसी तरह से अपने रेफरेंसेस कॉपी पेस्ट करते जाएंगे इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो रिमेनिंग पूरे का पूरा थीसिस का एक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो बाकी उसके पार्ट्स हैं उसके ऊपर मैं डिफरेंट जो है वो सेशन करूंगा और वो आपके साथ शेयर करूंगा अगर आपको टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही या आपको वीडियोस का जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी जो वीडियो मैं शेयर करूँ तो वो आपको ईजीली उसका जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए अगर आप बेल बटन को जो है वो वो भी प्रेस कर दें शुक्रिया